गाइस आज है ना सोनू के साथ एक सनसनी घटना हो गई है। सोनू के साथ तो रात में हुई होगी लेकिन मॉर्निंग में हमारे साथ हो गई। आप बता सकते हैं क्या हुआ था? सोनू को सुबह उठ के पूछा मैंने, वो बता रहा था कि रात में मैं यहाँ सोफे पे बैठा था तो फिर कुकी आई, कुकी कुत्ती, और उसके साथ उसकी बेटी भी थी। मैं तो छुप गया था तो मैं तो उसकी नजर में नहीं आया, और फिर उसने मेरा जो खाना था एक फुट पड़ा था उसको सूंघा, और उस वो डिब्बा तो खुला नहीं लेकिन पूरा डिब्बा उठा के ले गया और मैं देखता रहा, ऐसा बता रहा था। ऐसा वो तो सोनू तो ठीक बाद में बताएगा, लेकिन उठकर जब हम सोनू ने खाना मांगा तो डिब्बा नहीं मिला तो हम लोग टेंशन में आ गए कि ऐसा क्या हुआ कि डिब्बा कहाँ गुम हो गया। पूरा घर छान मारा फिर भी इसका डिब्बा नहीं मिला, और चेतन नीचे देखने गए तो गेट भी खुला था। तो सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या हुआ होगा रात को। कितनी देर सोचने के बाद फिर ये समझ में आया कि कल रात को ना सोनू यहाँ पड़ोस में भाग गया था, यहाँ साइड में, तो वहाँ के बच्चे आए थे सोनू को वापस छोड़ने के लिए यहाँ पर, तो सोनू को छोड़ गए लेकिन वो गेट खुला ही छोड़ कर चले गए थे। तो फिर रात को है ना कुकी है ना बार डोगी, वो और उसकी बेटी आए होंगे रात को, ये तो सब चेतन बोल रहे हैं। मैंने सोनू को पूछा, क्या पूछा आपने? सोनू बता रहा था। तो अच्छा हुआ वो केट फूड का डब्बा ही लेकर चले गए, नहीं तो यहाँ पर पूरा ये सोफा कवर और ये पूरे डोर मैट वो सब भी तोड़ देते शायद, और चेतन की बूट भी सोफे के ऊपर थी, लेकिन वो डब्बा मिला होगा तो एक निकला होगा तो दूसरे भी साथ साथ में चले गए होंगे। अभी देखिए यहाँ पर कैसे घूम रहे हैं ये लोग संजा की तरह, और डब्बा है ना कहाँ मिला पता है? वहाँ पर सामने। जब डब्बा मिला तब समझ में आया कि ये सब इन्हीं का काम है, कुकी का, उसकी बेटी का काम है। फिर शांति, क्योंकि पहले तो चौंक गए कि कोई चोर आया है तो और कुछ सामान लेकर जाता ना, सिर्फ कैट फूड ही क्यों गुम हुआ था। सोनू तो पूरी रात शायद सो नहीं पाया होगा, तो जैसे ही उठकर मैंने फिर दूसरा खाना था उसका वो दिया उसे, तो खा के सो गया था तो अभी उठा है। तो अभी तो कहते हैं 9 बज रहे हैं, हाँ 9 बज रहे हैं, तो अभी उठा है वो, सुबह से सो गया था तो अब मस्ती कर रहा है, देखो कैसे। गाइस अभी ये जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए कार में, आजकल पेट्रोल की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज है तो एडवांस में भरवा के रखना पड़ता है, तो ये जा रहे हैं तो मैं भी इनके साथ हुई, मैंने सोचा चलो मैं जाकर आती हूँ। अभी हम जा रहे हैं तो देखिए ये सोनू का डिब्बा दिख रहा है यहाँ पर पड़ा है, आपको दिख रहा है वहाँ सामने पड़ा है। ये मानवीर और उसके पापा स्कूल जा रहे थे जब मानवीर को छोड़ने, तभी उन्होंने यहाँ पर देखा तभी पता चला कि ये ऐसा ही हुआ होगा। अभी रास्ते में आया है हमारा घर ये वाला फ्रेंड्स। हम लोग पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पर देखिए सीएनजी के लिए पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। देखिए पूरे में, पूरे पेट्रोल पंप के राउंड में सीएनजी के लिए राउंड, बहुत सारी यहाँ पर भीड़ जमा हो गई है। और है ना पेट्रोल भी इससे पहले 2 बार आए थे तभी नहीं मिला था। पेट्रोल पंप वालों से जा रहे पेट्रोल भरवाओ ने देख के बात करते हो लगभग चौथी बार त्रीजी चौथी बार आने पहला हूँ पेट्रोल भरवा गया तो पहली वक्त मैंने पूछी भैया पेट्रोल छे ने तो हाँ पेट्रोल छे पछी के पूछवू सारू एम नहीं तर के एक भाई ने के मैं पूछ्यू नहीं मैं टेप सांभळतो तो गाड़ी में बैठो बैठो मैंने 2 वार पूछ्यू पण जवाब ना दीधो मैं डीजल नाखी दीधो एम पछी अहीया बैठो बैठो डीजल साफ करतो अच्छा सही है ना बार बार पूछ लेता है सही है लेकिन यार एक बार पूछे दूसरी बार गया तब भी पूछा मैंने उस वक्त भी हाँ हाँ तीसरी बार अब तो उसको मालूम होना चाहिए ना ये भाई को मैंने ये बात पहले बता दी पण એમને એને તો બિચારા ને દિવસ માં કેટલા લોકો આવતા હે ને શું ખબર તમે કેટલી વાર આવી ગયા હો પેલા યાર ये सही है ना पूछ लेना अच्छा है। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं मासी की बाड़ी पर, इनके मन में शायद पहले से ही था इसीलिए मैं तो नाइट ड्रेस पहन के आने वाली थी लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं कपड़े वपड़े चेंज कर लो ना लो, तो शायद इन्होंने मुझे सरप्राइज देनी थी क्या आपको पहले से नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप से फिर नज़दीक होता है ज़्यादा दूर नहीं होता है। तो अभी हम जा रहे हैं खेत पर एक चक्कर लगा कर आते हैं, शादी है 1 महीने के बाद तो क्या क्या तैयारियाँ चल रही है थोड़ा देख कर आते हैं। सो
गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मासी के खेत में, और ये लोग तो सब यहीं पर दिख रहे हैं खेत में। तो चेतन गाड़ी वहां पर लेकर गए हैं, और देखिए यहां पर एक काम कर रहे हैं। यहां पर देखिए ये है ना पूरे में सरजून कहते हैं ना डॉमस्टिक, उसके पेड़ थे ये सारे कट कर दिए हैं। इसके सीज़न ख़त्म हो जाती है ना, तब उसे साल में एक बार तो कट करना ही पड़ता है। अब ये है ना फिर से यहाँ से नया अंदर से ही निकलेगा इसमें से सारे। देखिए अभी बस कुछ ही पेड़ बचे हुए हैं, बाकी सारे काट दिए हैं। ये देखिए सभी खेत में बैठे हैं मासी सब। बहुत ज़्यादा दूर है, हम लोग घर पर पहुँच चुके हैं। गाड़ी देखिए बेटा बा रीना रीना भले आए भले 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 आए भाई। मारी है ना देख नहीं पाती है, मासा की मम्मी है। और यहाँ पर हम लेंगे मैडुली का ठंडी हवा का मजा, स्पेशल खटिया का बादाम के पेड़ के नीचे। सो गाइस हम घर पर पहुंच चुके हैं। सोनू कहाँ है सोनू? अरे वाह ये देखिए सोनू हाँ क्या कर रहा है, ये क्या किया है, हैं ये क्या किया, सो गया था तू? तो गाइस वाड़ी पर चले गए तो काफ़ी लेट हो गया, 12:30 बजे हम वापस आए होंगे। तो आज मेरा टोप का वीडियो ही नहीं बना था, तो मैं अभी खाना खा लिया है और स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके की जो शॉपिंग बैग होती है ना, इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ और इसी से मैं बना रही हूँ। तो ये है ना नॉन वूमेन के जगह पर बहुत ही अच्छा काम करती है, ये नॉन वूमेन से ही बनी होती है। तो अगर आपके पास नॉन वूमेन नहीं है और फोम भी नहीं है और आप अच्छा सा बैग बनाना चाहते हैं या आप कोई भी चीज़ ऐसी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा बनता है। तो अभी मैं एक बैग बना रही हूँ बहुत ही प्यारी सी, और बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, तो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। सो गाइस देखिए ये मेरा वीडियो हो चुका है रेडी, जो कि आज अभी अपलोड करने का टाइम हो गया, लेकिन ये मेरा रेडी अब हुआ है। इसके अंदर मैंने ये शॉपिंग बैग जो मैंने आपको दिखाई थी ना उसी का इस्तेमाल किया है। तो देखिए ये कितना मस्त से बनाया है, एकदम मस्त। और ना ही इसके अंदर मैंने फोम का यूज़ किया है, ना ही और कोई अस्तर का, सिर्फ शॉपिंग बैग का ही यूज़ किया है। और देखिए यहाँ पर मैंने ये एक जिप वाला पॉकेट बनाया है, एक इसका जो मेन बड़ा सा पॉकेट है वो, और एक यहाँ पर इस तरीके से अलग से पॉकेट बनाया है। तो टोटल इसके अंदर 3 पॉकेट बने हैं। तो बहुत ही अच्छा ये बन गया है, और सिर्फ एक ही फैब्रिक का यहाँ पर बाहर यूज हुआ है, ओनली 1 पीस से आप ये बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके की शॉपिंग बैग पड़ी है, अक्सर सभी के पास इस तरीके की पड़ी ही होती है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा आपका ये बैग रेडी हो जाएगा, देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये बना है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और आप भी ज़रूर ट्राई करना, इसमें कोई खर्चा नहीं है, आप ट्राई तो कर ही सकते हैं। कमेंट आई थी कि आपके जैसा हमसे नहीं बन पा रहा है, तो एक बार में तो मुझसे भी नहीं बन पाता, लेकिन मैं अभी काफ़ी टाइम से यही कर रही हूँ तो मेरे से अच्छे से बन जाता है। तो अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो बस एक दो बार करेंगे तो थर्ड टाइम तो अच्छे से 100% आपसे भी बन जाएगा, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो दोपहर में खाना खाने के बाद तुरंत ही मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो अभी थोड़ी देर तो मैं रेस्ट करूंगी, उसके बाद आगे कुछ देखूंगी। चलें रेडी। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने मार्केट में, और भी कुछ सामान मुझे लाना है तो वो हम लेकर आते हैं। ये देखिए आरव आया है अपनी मम्मी की दवाई लेने। आरव किसको लेकर आया है? इंजेक्शन मिलने वाला है आरव की मम्मी को। आरव की मम्मी को बराबर नहीं है, देखो तबीयत खराब हो गई है। ये मेरे भाभी है, ये मेरे भैया है। फ्रेंड्स हम सब्जियां लेकर वापस आ गए, उसके बाद पेशेंट आ गए थे चेतन के, तो चेतन उनका कर रहे थे और मैंने खाना बनाया।
और खाना खा लिया है अभी, लेकिन ये देखिए किचन की हालत पूरी। अभी मैं इसे क्लीन करूँगी और उसके बाद है ना बर्तन साफ़ करने हैं, उसके बाद ही मैं सब्जियाँ और फ्रूट लेकर आई हूँ, तो इन सबको वॉश भी करना है। आजकल लगता है फिर से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, तो वीडियो भी सही टाइम पर एडिट नहीं हो रहा है, रात में काफ़ी लेट हो जाता है। तो आज अभी चेतन वीडियो कर रहे हैं और 9:30 तो बज गए हैं। सो गाइस, मैंने सारी सब्जियों को वॉश कर लिया है और मैंने यहाँ पर ये पालक को वॉश नहीं किया है और इसे मैं खोल के रख दूँगी, क्योंकि अभी वॉश करेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगी पूरा पानी से, तो इसे वॉश करके तुरंत ही कल यूज़ कर लेंगे। और ये मैंने बर्तन भी क्लीन कर दिए हैं, किचन भी क्लीन हो गया है। ये दूध मेरा ठंडा हो रहा है, उबाल दिया है, तो बाद में इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। आज फिर से मानवीर ने पेड़े लिए हैं और चींटियों की डर की वजह से मैंने पेड़े इस बॉक्स के अंदर रख दिए हैं। और अभी मानवीर का होमवर्क फिनिश नहीं हुआ है, मानवीर कर रहा है होमवर्क, और सोनू तो मस्त आराम से सो रहा है और अभी सोता रहेगा, फिर बाद में जागेगा। देखो सोना ऊँगा मेरी तरह, इसे बस एक ही काम है सोने का और फिर रात में तो जागेगा ही। और यहाँ पर चल रही है वीडियो की एडिटिंग, अभी तो कितना हुआ है, काफ़ी सारा काम बाकी है, तो आज काफ़ी लेट हो गया है। अभी आजकल ना पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो लेट हो जाता है। अब मैं करूँगी वॉकिंग, मैंने अपना काम कर लिया है ख़त्म, थोड़ी क्लीनिंग बाकी है इस रूम में, सो थोड़ी वॉकिंग करने के बाद मैं क्लीनिंग करूँगी। सो गाइस, आई होप आपको मज़ा आया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।